गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले हमने दो वीडियोस में आपके चैप्टर टू के दो पार्ट हमने देखे। आपका चैप्टर टू है संस्कृत शब्द परिचय, उसमें पार्ट वन में हमने पुल्लिंग शब्दों का परिचय पढ़ा, पार्ट टू में हमने स्त्रीलिंग शब्दों का परिचय पढ़ा। आज पार्ट थ्री में नपुंसकलिंग शब्दों का हम परिचय करेंगे। जब हमने पुल्लिंग शब्द पढ़े थे तब उसमें था अकारांत पुल्लिंग शब्द, यानी कि कोई भी शब्द होगा और अगर वो अ से एंड होता है तो वो अकारांत कहलाएगा, और अगर पुरुष जाति से बिलोंग करता है तो पुल्लिंग कहलाएगा। तो आज का जो हमारा शब्द है वो नपुंसकलिंग है, तो वो भी मेजॉरिटी अ से ही एंड होते हैं, इसलिए उसे अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। बट दोनों के फॉर्मेशन में फर्क होता है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ग झ, तो ग प्लस अ प्लस झ प्लस अ, तो अ हुआ लास्ट में, तो वो अकारांत हुआ, बट वो गज पुल्लिंग है, गज यानी हाथी। और उसी के सामने मैं आपको एक शब्द दे देता हूँ फल, तो फ में अ और ल में अ, फ फ प्लस अ प्लस ल प्लस अ, तो ये भी अकारांत है, बट फल शब्द है वो नपुंसकलिंग है, क्योंकि फल का कोई लिंग नहीं होता है। कभी आपने ऐसा पढ़ा है या कभी सुना है कि फलाना पुल्लिंग फल है और फलाना स्त्रीलिंग फल है? फल फल होता है, उसमें कोई जेंडर डिफरेंस नहीं होता, इसलिए उसी उसको नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं, जो जो शब्द ना तो पुरुष जाति से बिलोंग करता हो और ना तो स्त्री जाति से बिलोंग करता हो, उसी को नपुंसकलिंग कहते हैं। तो हमें ऑन द कोई भी शब्द हम अगर देखते हैं पढ़ते हैं तो उसको ऑन द स्पॉट ही हमें पता चल जाता है उसका मीनिंग जानकर कि ये अकारांत पुल्लिंग है या अकारांत नपुंसकलिंग है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द इनटू ब्रैकेट तीनों वचनों में, क्योंकि हमने पुल्लिंग शब्द के और स्त्रीलिंग शब्द के एक वचन द्विवचन और बहुवचन पढ़े, तो नेचुरली नपुंसकलिंग के भी तीन वचन तो हो गए ही, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो पहले हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के एक बार फटाफट देख लेते हैं शब्द फॉर्मेशन। अगर कोई भी शब्द पुल्लिंग का है तो उसका एक वचन क्या होगा, वो शब्द और डॉट डॉट। फॉर एग्जाम्पल हम गज शब्द लेते हैं तो एक वचन गजह, द्विवचन गजौ और बहुवचन गजाहा, गजह गजौ गजाहा। अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल शाखा, शाखा यानी डाली, तो आकारांत शब्द है और स्त्रीलिंग है, तो क्या बनेगा, एक वचन शाखा, द्विवचन शाखे और बहुवचन शाखाहा, शाखा शाखे शाखाहा। तो इस प्रकार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के एकवचन द्विवचन और बहुवचन हमने पिछले दो वीडियो में हमने देखे। आज हम नपुंसकलिंग के एकवचन द्विवचन और बहुवचन देखते हैं। जैसे पुल्लिंग में अह एकवचन में लगता है, द्विवचन में औ लगता है और बहुवचन में आह लगता है। स्त्रीलिंग में एकवचन में आ, द्विवचन में ए और बहुवचन में आह लगता है। नपुंसकलिंग में क्या लगेगा, कोई भी शब्द होगा तो एक वचन में उस शब्द के पीछे आधा म लगेगा, द्विवचन में वो जो शब्द होगा उसमें ए लगेगा, और बहुवचन में वो जो शब्द होगा उसमें आनी या तो आनी लगेगा, मेजोरिटी आनी ही लगता है। फॉर एग्जाम्पल पहला शब्द आपको दिया गया है रूप्यक, रूप्यक यानी कॉइन, तो एज आई सेड एक वचन में म आधा लगेगा, क्यों बोलेंगे हम क्या उसको, रुप्यकम। द्विवचन में मैंने आपको अभी ही बताया, द्विवचन में वो शब्द के ऊपर ए की मात्रा लगेगी,
तो रुपयक शब्द है उसमें ए की मात्रा लगेगी, तो रुपय के, एकवचन रुपय कम, द्विवचन रुपय के, और बहुवचन रुपयक शब्द तो है ही, उसमें आनी लगेगा, तो रुपय कानी, रुपय कम, रुपय के, रुपय कानी। सिमिलरली जो भी वर्ड्स में बोलता जाऊंगा उसमें एक वचन में म, द्विवचन में ए और बहुवचन में आनी लगाते जाना है, तो वो आपका नपुंसकलिंग शब्द बनेगा। सब नपुंसकलिंग शब्द के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनेंगे। लेट्स स्टार्ट, फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ, आपको बनाना है, मैं सिर्फ यहाँ से शब्द डिक्टेट करूँगा, बाद में बोलूँगा अभी, बट पहले आपको मन में उसको बनाना है। एक वचन में क्या लगेगा? हाफ म, द्विवचन में ए और बहुवचन में आनी, म ए आनी। और उदाहरण हमने देखा, रुपयक शब्द है उसमें एक वचन में म, द्विवचन में ए और बहुवचन में आनी लगने से रुपय कम, रुपय के, रुपय कानी। तो बहुत ही आसान है, इस प्रकार हम आगे नए नए वर्ड्स, आई मीन जो आपके गिवन वर्ड्स है वो देखते जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चक्र, बोलिए, मन में बनाइए, मैं बोलता हूँ चक्रम, चक्रे, चक्राणी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड कंदूक, यानी कि गेंद, बोल, तो क्या बनेगा? कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी। आई होप मुझे आपको मीनिंग बताने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हम शब्द लेते हैं वो एक दो और अनेक उसका मीनिंग बन जाता है। जैसे कि पहला हमने देखा रुपये कम, तो एक सिक्का, रुपये के, तो दो सिक्के, और रुपये कानी, बहुत सारे सिक्के। दूसरा वर्ड हमने देखा चक्रम, एक पहिया, चक्रे, दो पहिए, और चक्राणी, अनेक पहिए। ये तीसरा वर्ड हमने देखा चक्र, सॉरी कंदुक, म, कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी, यानी कि एक गेंद, दो गेंद, अनेक गेंद। नेक्स्ट वर्ड पुष्प, बनाइए मन में, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी, यानी कि एक फूल, दो फूल, अनेक फूल। नेक्स्ट है छत्रम, आई मीन अम्ब्रेला, तो छत्रम, छत्रे, छत्राणी, यानी कि एक छत्री, छत्ता, दो छत्ते, अनेक छत्ते। नेक्स्ट वर्ड है द्वारहार, जो गले का हार होता है वो, तो हारम, हारे, हाराणी, यानी कि एक हार, दो हार और अनेक हार। और आगे आपको थोड़े और अन्य, देखिए इसमें बड़े अक्षरों में लिखा है अन्य अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, जैसे हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भी पढ़ा था कि आपको थोड़े से वर्ड्स तीनों वचनों में दिए गए हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे दिए हैं कि जिसका एक वचन अगर दिया है तो द्विवचन और बहुवचन हमें बनाना है, किसी का अगर द्विवचन दिया है तो एक और बहुवचन बनाना है, और किसी का बहुवचन दिया है तो एक और द्वि बनाना है हमें। तो नपुंसकलिंग के भी कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार दिए हैं, दुग्धम एक वचन दिया है तो द्विवचन क्या होगा? द्विवचन और बहुवचन, दुग्धे और दुग्धानी, दुग्धम, दुग्धे, दुग्धानी, यानी कि एक दूध का गिलास, दो दूध के गिलास और अनेक दूध के गिलास। फिर दिया है भोजने, यानी कि द्विवचन दिया है तो एक वचन और बहुवचन हमें बनाना है, भोजनम और भोजनानी, भोजनम, भोजने, भोजनानी। और नेक्स्ट वर्ड है मुखानी, यानी कि बहुवचन दिया है, एक वचन और द्विवचन हमें बनाने हैं, मुखम, मुखे, मुखानी। फिर गृहम दिया है तो द्विवचन और बहुवचन बनाना है, गृहम, गृहे, गृहाणी, एक घर, दो घर और अनेक घर। फिर पात्रे, यानी कि बर्तन, द्विवचन दिया गया है, यानी कि दो बर्तन ऐसा दिया गया है, तो एक वचन और बहुवचन हमें ढूंढना है, बनाना है, पात्रम, पात्रे, पात्राणी।
नेक्स्ट वर्ड है वस्त्राणी, तो बहुवचन यानी कि हमें दिया गया है एक वचन और द्विवचन हमें बनाना है। वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणी, यानी कि एक कपड़ा, दो कपड़े, अनेक कपड़े। फिर कलम यानी कि पेन, तो कलमम, कलमे, कलमानी, यानी कि एक कलम, एक पेन, दो पेन और अनेक पेन। नेक्स्ट वर्ड है मित्रे, यानी कि द्विवचन दिया गया है, एक वचन और बहुवचन हमें बनाना है। मित्रम, मित्रे, मित्राणी, एक दोस्त, दो दोस्त और अनेक दोस्त। नेक्स्ट वर्ड है पुस्तकानी, यानी कि बहुवचन दिया है, एक वचन और द्विवचन हमें बनाना है। तो पुस्तकम, पुस्तके और पुस्तकानी तो दिया ही है, एक किताब, दो किताब और अनेक किताब। नेक्स्ट वर्ड है फलम यानी कि फ्रूट, फल, तो फलम, फले, फलानी, यानी कि एक फल, दो फल और अनेक फल। फिर कमले यानी कि दो वचन, द्विवचन आपको दिया है, एक वचन और बहुवचन बनाना है। कमलम, कमले, कमलानी, एक कमल का फूल, दो कमल के फूल और अनेक कमल के फूल। फिर पत्राणी यानी कि खत, बहुवचन दिया है, एक वचन और द्विवचन बनाना है। पत्रम, पत्रे, पत्राणी, एक खत, दो खत और अनेक खत। नेक्स्ट वर्ड है व्यंजन, व्यजनम। देखो व्यंजनम और व्यजनम में एक डॉट का ही फर्क होता है। व्यजन माने पंखा और व्यंजन माने वो जो कॉन्सोनेंट होता है वो। तो व्यजनम, व्यजने, व्यजनानी, यानी कि एक पंखा, वो जो हम हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं उसे व्यजन कहते हैं। हालांकि सीलिंग फैन को भी व्यजन ही कहते हैं, बट आपको जो चित्र दिया है वो इस प्रकार है। आप देख सकते हो यहाँ जो ये कोने में है वो व्यजनम, यानी कि एक पंखा, दो पंखे और अनेक पंखे। फिर नेत्रे, आँखें, दो आँखें, दो द्विवचन दिया है, एक वचन और बहुवचन हमें बनाना है। नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणी। एंड लास्ट वर्ड दाढ़ी मानी, यानी कि वो पोमोग्रेनेट। तो दाढ़ी मम, दाढ़ी में, दाढ़ी मानी, एक पोमोग्रेनेट, दो पोमोग्रेनेट और अनेक पोमोग्रेनेट। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो के माध्यम से चैप्टर 2 का पार्ट 3 पढ़ा हमने। वैसे तो पूरा चैप्टर कंटिन्यूटी में है, बट इस प्रकार हम ये जो वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ते हैं, इसलिए एक साथ बहुत बड़ा कंटेंट ना हो जाए, इसलिए हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ते हैं, इसलिए ताकि आपको आसानी से याद रहे। तो चैप्टर 1 में संस्कृत शब्दों का परिचय हमने पुल्लिंग का पढ़ा, चैप्टर 2 पार्ट 1 इज पुल्लिंग वर्ड, चैप्टर 2 पार्ट 2 इज स्त्रीलिंग वर्ड, और चैप्टर आज का जो चैप्टर 2 पार्ट 3 है दैट इज अकारांत नपुंसकलिंग वर्ड। और इसके बाद चैप्टर 2 का जो पार्ट 4 होगा वो इस चैप्टर की एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे। फिर से मैं एक बार क्विक रिवाइज करवा देता हूँ। एक वचन पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कैसे होगा? अह, औ, आहा, गजह, गजौ, गजाहा। स्त्रीलिंग में आ, ए, आहा, यानी कि लता, लते, लताहा। और नपुंसकलिंग में म, ए, आनी, यानी कि फलम, फले, फलानी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप योरसेल्फ हेल्दी।